अपने आईटीआर का स्टेटस और रिफंड का स्टेटस कैसे जाने, आओ सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना आईटीआर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने रिफंड का डिस्पैच स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, आपको रिफंड किस डेट को आपके अकाउंट में मिला है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग की वेबसाइट पे आना है, उसके होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, ये जो जगह है यहाँ लिखा हुआ है आईटीआर स्टेटस, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, यहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करना है। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने आईटीआर को की कॉपी उठाइए, जो आपके पास हार्ड कॉपी है, यदि सॉफ्ट कॉपी है तो और भी ठीक है, और यहाँ आपको मिलेगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब इसको आपको करना क्या है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप अपने हार्ड कॉपी को वहाँ से खुद टाइप कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, तो यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर फिल कीजिए, इसमें आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर टाइप कीजिए, और जो ये कैप्चा है इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में तो होता ही नहीं, ज्यादातर कैपिटल में आता है, आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने आईटीआर, आपके आईटीआर का स्टेटस बता देगा। जैसे कि ये मेरा पिछले साल के आईटीआर का स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि आपका आईटीआर प्रोसेस भी हो चुका है और रिफंड पेड भी हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था आपको आईटीआर का स्टेटस चेक करना। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना जो रिफंड आपको डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस कैसे चेक करना। तो आपको होम पेज पे वापस आना है, होम पेज पे आने के बाद आप आएंगे इस सीरीज में बिल्कुल नीचे, और यहाँ आपको मिलेगा चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस, और आपको करना है इसके ऊपर क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नए पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे आपको ये नए पेज पे ले जाता है, वहाँ आपको करना क्या है, उस पेज पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है और अपनी असेसमेंट ईयर फिल करनी है। जैसे आप अपनी असेसमेंट ईयर फिल करेंगे और पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे तो वो किस डेट को डिस्पैच हुआ है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, आपके अकाउंट में कौन से अकाउंट में वो रिफंड मिला है, आपको वो सब जानकारी दे देगा। इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है सॉरी, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये पेज ओपन हो चुका है, आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है, और आपको कौन सी ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सी का चेक करना है, तो मैं लास्ट ईयर का चेक कर रहा हूँ क्योंकि इस साल का तो अभी तक प्रोसेस हुआ ही नहीं मेरा। तो इसमें आप अपना फिल कर दीजिए कैप्चा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको आ गया है आपका स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, ये पैन कार्ड नंबर आपका दिखाएगा, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर दिखाएगा, और जो डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है उसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ आपको आपके अकाउंट का लास्ट नंबर भी दिखाई देगा, और ये किस डेट को हुआ है वो भी आपको दिखाएगा। तो जैसे कि मेरा 5 सितंबर 2019 आया था ये दिखाया है। तो दोस्तों ऐसे आप खुद ही
इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके खुद अपना ITR का स्टेटस और रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल पे भी मैं अवेलेबल हूँ, और ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ भी आप अच्छी जानकारियाँ ले सकते हैं। कोरोना में सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर पे रहो और बिना काम के बाहर ना निकलें। आप अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें जिससे वो भी जाँच लें उनका इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा, उनका ITR का स्टेटस क्या है। अगले वीडियो में फिर अच्छी जानकारी लेके मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।